अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल हमारा रिलेटेड है सैंपल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, यानी हम कर रहे हैं सॉल्व एग्जांपल ऑफ सैंपल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। जो जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम सैंपल साइज डिस्कस कर चुके हैं कि आपने कैसे, अगर आपको सैंपल साइज की वैल्यू गिवन ना हो तो आपके पास फार्मूला क्या है, हमने उसको डिराइव भी किया था। फार्मूला हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो फार्मूला है, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू जी अल्फा बाई टू सिग्मा डिवाइडेड बाई ई होल स्क्वेयर, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ई का भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास ई क्या होता है, एरर होता है। द डिफरेंस बिटवीन स्टेटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड एरर और सैम्पलिंग एरर, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ई इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल देखें क्या है। अ रिसर्च वर्कर विशेज टू एस्टिमेट द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन यूजिंग अ सैम्पल सफिशियंटली लार्ज दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.95, दैट द सैम्पल मीन विल नॉट डिफर फ्रॉम द ट्रू मीन बाय मोर देन 25% ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। हाउ लार्ज अ सैम्पल शुड बी टेकन, क्या कह रहे हैं, सैम्पल साइज क्या होगा, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, आप देखें 0.95 प्रोबेबिलिटी में क्या गिवन है, 95%। यानी जेड अल्फा बाई टू हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम कर चुके हैं कि 95% के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होती है, जी अल्फा बाई टू की 1.96, ठीक है। ये कैसे ये वैल्यू आई है, तो ये हम बहुत डिटेल के साथ हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करते, आगे देखिए हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो ये देखिए दी सैंपल मीन विल नॉट बी डिफर फ्रॉम द ट्रू मीन, यानी जो सैंपल मीन है उसका डिफरेंस और पैरामीटर का डिफरेंस, यानी स्टेटिस्टिक और पैरामीटर का डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर। यानी यहाँ पे हमें एरर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाय मोर देन 25% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ई की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ई इज इक्वल्स टू एक्स बार एब्सोल्यूट एक्स बार माइनस म्यू, और वो हमें कह रहे हैं कि 25% ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या, सिग्मा। यहाँ पे आप देखें तो 25%, यानी परसेंट की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इनटू सिग्मा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ई की, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 25 बाय 100 करते हैं तो सिग्मा, और साथ में सिग्मा है, सो सिग्मा ओवर 4 इसका आंसर आता है, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाय 4, जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू भी आ गई। जस्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको पुटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 1.96 जो था ये हमारे पास आ गया जी अल्फा बाई 2 की जगह, साथ में सिग्मा फॉर्मूले में प्रेजेंट है, सो सिग्मा आ गया डिवाइडेड बाय ई की जगह उसकी वैल्यू, वो हमारे पास क्या है, ये देखें सिग्मा डिवाइडेड बाय 4, सो वो हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है क्या, कि सिग्मा जो है वो सिग्मा के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 4 जो है, क्योंकि सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 है, सो 4 जो है वो इस 1.96 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन आपने उसका स्क्वेयर लेना है। सो मल्टीप्लाई करें एंड देन स्क्वेयर ले, तो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, हमारे पास क्या 61.4 4656 आ गया हमारे पास एन की वैल्यू, यानी सैंपल साइज जो है वो हमारे पास आ गया है। बट जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास सैंपल साइज होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, सैंपल साइज आपने लेना है जो कि हमेशा आपके पास एक इंटीजर ही होगा। सो अप्रोक्सीमेटली 61.4656 इज इक्वल्स टू 62, सो यानी हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है, 62, यानी सैंपल साइज जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज है वो कितना होगा, 62 होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस आसान से एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।